हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने पिछले क्लास में फ्रेंड फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसके पहले मैंने फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिया था। आज फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल और फीमेल गैमेट्स मिल गए। अब उनका इम्प्लांटेशन होगा कि कैसे जो है इम्प्लांट होता है, जो यूट्रस में महिला के गर्भाशय में अब बच्चे कैसे इम्प्लांट होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता क्या है इसको डिफाइन करते हैं। दी इम्बेडिंग ऑफ जाइगोट या इम्ब्रियो, मतलब दो से एक से ज़्यादा सेल बन जाएंगे तो उनको इम्ब्रियो कहा जाता है फ्रेंड। दी इम्बेडिंग ऑफ इम्ब्रियो इन दी इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये सातवें दिन होता है फर्टिलाइजेशन के, सेवन्थ डे तक इम्प्लांटेशन होता है। तो इसकी प्रोसेस आज पढ़ते हैं फ्रेंड। इसके पहले का क्लास अगर आप एक बार फर्टिलाइजेशन देख लोगे तो आगे की चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। इसके पहले मैंने ओवुलेशन पढ़ाया था, कैसे फीमेल का एक डेवलप होता है, अंडा कैसे तैयार होता है। उसके पहले मैंने पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरी सिस्टम बताई थी कैसे कौन से ऑर्गन कहाँ पे हैं, इंडोमेट्रियम का क्या काम है, फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, पूरा बढ़िया से बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग को रिवाइज करना हो तो हमारे चैनल पर जाइएगा, स्टडी बाई डॉक्टर JK। ठीक है फ्रेंड, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम सारे वीडियो पर कुछ डायग्राम पहले से बनाए रहते हैं, जो और टीचर आपको 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ाएंगे वो मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड कि आपके 20 मिनट में कवर हो जाए, ताकि आपको और टाइम मिले बुक्स रीडिंग लगाने के और क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है फ्रेंड, तो आज स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन। कुछ मैं पुराना हल्का हल्का डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था फ्रेंड कि महीने में एक बार ओवम बनता है महिला के बॉडी में, जो अगर प्रेग्नेंट होगी तो वो ओवम जो है यूज होगा, स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा, फिर इम्प्लांट होगा। अगर नॉन प्रेग्नेंट होगी महिला जो है कोर्टशिप नहीं कर रही है, तो पीरियड के थ्रू एंडोमेट्रियम को टूट के वो पीरियड ब्लीडिंग होके बाहर आती है, फिर नई साइकिल शुरू होती है। ठीक है, ये ओवुलेशन में पढ़ाया था। अगर महिला का कोर्टशिप हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया, ये ओवरी है, एक बार महीने में इस ओवरी से अंडा निकलता है, दूसरे महीने इस ओवरी से, ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था ओवुलेशन में, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है फ्रेंड, ये ग्राफियन फॉलिकल जो इनकी साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 दिन 12 से 14 दिन के बीच में इनका ओवुलेशन होता है। ठीक है, पीरियड जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था फ्रेंड, बताया था, तो ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है और एक जो है सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब फिम्ब्री जो है कैच करती है, और ये फिम्ब्री यहाँ तक लाती है एम्पुला तक, एक को, एक के ऊपर एक कवरिंग मैंने बताया था फ्रेंड, जूना पेलिसुडा की कवरिंग होती है और कोरोना रेडिएटा को होती है। ठीक है फ्रेंड, और ये कैसे मूव करता है, क्योंकि एक मूव नहीं होता, स्पर्म मूवेबल होती है लेकिन फीमेल का एक मूवेबल नहीं होता है। यहाँ पे इपिथिलियम पाई जाती है, कोलुमनार इपिथिलियम, जो फिम्ब्रिस इन्फंडिबुलम और एम्पुला तक ओवम को लेके जाती है। यहाँ पे ओवम जो है फीमेल का, जो महीने में एक अंडा तैयार हुआ है, वो 24 आवर तक लाइव होता है। इस दौरान इसको सीमेन मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ से जो है अगर फीमेल कोर्टशिप की हुई है तो स्पर्म इंटर होके स्पर्म यहाँ पहुँचा था फ्रेंड। मैंने फर्टिलाइजेशन में चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, दोनों का मेल और फीमेल का मिलन हो गया। मैंने यहाँ वही डायग्राम यहाँ पे बनाया है, देखिए ओवम है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये जैसे ओवम है और ये आपका स्पर्म आ रहा है। ठीक है, स्पर्म आ रहा है, मैंने इसे रफली डायग्राम बनाया हूँ फ्रेंड, ये टेल है, मूव करके आ रहा है। इसमें जो है स्पर्म जो है इसके कोरोना रेडिएटा और जूना पेलिसुडा को ब्रेक करते हुए, जो एक्रोसोम इसमें पाई जाती है हेड रीजन में, ये अंदर घुस गया। केवल स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर घुसता है फ्रेंड, बाकी स्पर्म सब डिजेनरेट हो जाते हैं। और मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, कैसे पहचानती है ओवम कि एक ही स्पर्म हो, ज़्यादा स्पर्म ना फर्टिलाइज करें, केवल एक ही स्पर्म स्पाइट करें, तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो सब फर्टिलाइजेशन में मैंने पढ़ाया है। एक प्रोसेस भी होती है यहाँ पे कैपासिटेशन, जिसके थ्रू जो है स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो वीक हो जाती है, ताकि एक क्रोसोम रिलीज करे, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है फ्रेंड, वो एक के कोरोना रेडिएटा और जूना प्लेसिडिया को क्रॉस करके अंदर न्यूक्लियस घुस सके। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस मैंने फर्टिलाइजेशन में बढ़िया से बताए, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड। अब यहाँ तक हो गया, उसके आगे इम्प्लांटेशन करते हैं। यहाँ पे मेल और
फीमेल गैमिट मिल गए, देखिए ये दो न्यूक्लियस आ गए। यहाँ पे क्या है कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे 23 क्रोमोसोम यहाँ पे भी है और 23 क्रोमोसोम एग में भी है, 23 क्रोमोसोम आपके स्पर्म में भी है, मतलब हैप्लॉइड हैं। टोटल ह्यूमन में हर सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन मैंने जो ओवुलेशन पढ़ाया था और स्पर्मेटोजेनेसिस जो पढ़ाया था, और सॉरी ओजेनेसिस जो एक बनता है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल मियोसिस होती है तो सेल की संख्या हाफ हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। तो ये 23 इसका, 23 इसका, ये दोनों एक न्यूक्लियस में आए और ये एक स्ट्रक्चर बना लिए। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, एक है जोना पेलुसिडा है और कोरोना रेडिएटा है, एक न्यूक्लियस हो गया, ये स्ट्रक्चर अब 46 सेल का हो गया। इसी को फ्रेंड हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में कितने क्रोमोजोम होते हैं, डिप्लॉयड होता है 2N, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक फर्टिलाइजेशन तक मैंने बताया था, उसके बाद देखिए जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बना फ्रेंड, ये डिप्लॉइड है, मतलब 46 क्रोमोसोम का है, ये दो न्यूक्लियस बन गई यहाँ पे अंदर, और जो लेयर पाई गई जोना पेलिसिडा की लेयर पाई जाती है इसमें, ठीक है, जोना पेलिसिडा की। अब जोना पेलिसिडा की लेयर पाई जाती है यहाँ पे, अब ये स्ट्रक्चर मूव करेगा धीरे 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 धीरे, मैंने फर्टिलाइजेशन में कुछ चीज़ें बताई थी, यहाँ पे आ जाएगा ये जो जाइगोट। जाइगोट कहाँ आया, यूट्रस मतलब गर्भाशय के ल्यूमेन में आ गया, ठीक है, ल्यूमेन में गर्भाशय के आ गया फ्रेंड। अब ल्यूमेन में क्या होता है कि इसको एनर्जी देती है, ठीक है, ये लगभग फोर्थ डे पे ल्यूमेन ऑफ यूट्रस के ल्यूमेन में आ जाती है आपकी जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हूँ। जाइगोट कहाँ आ गई, ल्यूमेन में आ गई, ठीक है फ्रेंड। ल्यूमेन में इसको कैविटी के लिए यहाँ से अब इंडोमेट्रियम, मैंने सिकेटरी फेस बताया था एक, जब आपको मेंसुरेशन साइकिल पढ़ाया था कि 14th डे आफ्टर जब हो गया आपका ओवुलेशन हो गई तो इंडोमेट्रियम तब तक तैयार हो जाती है, इंडोमेट्रियम से सिकेटरी फेस, उसीलिए उस साइकिल को या तो लूटियल फेस कहते हैं क्योंकि कॉर्पस लूटियम बनता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा, और इंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन सिक्रीट होती है, तो ये ग्लाइकोजन यहाँ पे सिक्रीट करेगी, ठीक है, इस कैविटी में, ताकि इसको एनर्जी मिल सके, ठीक है फ्रेंड। आपका जो ओवम आया हुआ है, ओवम नहीं सॉरी जाइगोट आया हुआ है, उसको एनर्जी मिल सके। ये फोर्थ डे ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब शुरू होता है जाइगोट में क्या शुरू होगा फ्रेंड, जाइगोट में आपका शुरू होता है माइटोसिस, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है जाइगोट में, जब एनर्जी मिलने के बाद जब कैविटी में आती है यहाँ पे शुरू होगा आपका माइटोसिस। और इस माइटोसिस को क्या कहते हैं फ्रेंड, इस माइटोसिस को कहते हैं क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज होती है। क्लीवेज को कैसे डिफाइन करेंगे, क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, जैसे माइटोसिस में होता है आपका डबल होता है, ये वन सेल से टू सेल, टू सेल से फोर सेल, फोर से एट, एट से 16, ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें सेल की साइज जो है घटती जाती है, मतलब पहले ये सेल इतना बड़ा है लेकिन अब ये माइटोसिस होकर दो सेल बना तो उसी में, क्योंकि कवरिंग है ये जाइगोट की, कवरिंग जोना पेलिसिडा की है, तो ये साइज सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, तो ये आपका दो सेल स्ट्रक्चर बन गया, और दो सेल से फिर आगे माइटोसिस हुई, फोर सेल स्ट्रक्चर बन गया, तो ये जब एक से ज्यादा सेल स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये जो नंबर ऑफ सेल हैं इनको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं, ब्लास्टोमियर जो सेल बनते हैं फ्रेंड उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर पूरे को अब हम एम्ब्रियो कहने लगते हैं इनको, ठीक है, एम्ब्रियो, ये सब नॉमनक्लेचर हैं। जब सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी तो इसको क्या कहते थे फ्रेंड, सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहते थे, ये है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। जाइगोट की एक प्रॉपर्टी और होती है, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट को टोटीपोटेंट सेल कहा गया है, टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल क्या होते हैं फ्रेंड, टोटीपोटेंट सेल एक कैरेक्टर है कि एनी सिंगल सेल हैव कैपेसिटी टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म,
मतलब एक ऐसी सेल जो सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म को बना दे, उसको टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। तो जाइगोट के पास ऐसी प्रॉपर्टी, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। अब इससे पूरा ह्यूमन बींग तैयार होगा, एक फिटस, एक बच्चा तैयार होगा, इसलिए इसको टोटिपोटेंट कैरेक्टर कहा जाता है, टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड, तो जाइगोट को टोटिपोटेंट कैरेक्टर आती है इसमें, इसलिए इसको टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है। सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। फिर माइटोसिस क्लीवेज शुरू होती है, टू सेल स्ट्रक्चर बनता है, फोर सेल स्ट्रक्चर बनता है। ये जो नंबर ऑफ सेल, उसी में क्योंकि जोना पॉलीसिडा की लेयर है, तो नंबर ऑफ सेल छोटे छोटे नंबर बढ़ते रहते हैं, लेकिन सेल की साइज घटती रहती है। जो नंबर सेल है इनको अब ब्लास्टोमियर बोलने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड? ब्लास्टोमियर बनने लगते हैं जब एक से ज्यादा सेल हो गई, तो इस स्ट्रक्चर को अब जाइगोट न कह के इम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, ये कैविटी तक पहुंची है, अब यहाँ स्ट्रक्चर ये शुरू हो गया है। ठीक है फ्रेंड, फिर आगे क्लीवेज होता रहता है। जब क्लीवेज जो है ये 8 to 16, ठीक है, 8 to 16 सेल बन जाते हैं, 8 से लेके 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फ्रेंड मोरूला। ठीक है, मोरूला, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। पहले जाइगोट बना, फिर इम्ब्रियो बना, मतलब एक से ज़्यादा सेल बने, और जो नंबर ऑफ सेल बन रहे हैं उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब सेल की संख्या जो है माइटोसिस क्लीवेज कर करके 8 से 16 के बीच में आ जाए, तो मतलब 16 से कम रहे और 8 से ज़्यादा रहे नंबर ऑफ सेल, जैसे इसमें मैंने बनाया हुआ है कम से कम 13-14 सेल, तो इस स्टेज को मोरूला कहते हैं। तो पहले क्या आता है? जाइगोट, फिर इम्ब्रियो, फिर मोरूला। मोरूला से अब 16 स्टेट से जब आगे बढ़ेंगे, फिर से इसमें क्लीवेज होता रहता है। तो होता क्या है फ्रेंड, ये जो सेल हैं ये पेरिफेरी पे आ जाते हैं। ठीक है, किनारे किनारे देखिए लग गए सेल। ठीक है, ये किनारे किनारे पेरिफेरी पे सेल लग गए। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जो साइड साइड लगा है? इसको बोलेंगे फ्रेंड ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं। और यहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है, मतलब यही सेल बड़ी होके स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको जो है क्या कहा जाता है? इनर सेल मास। इनर सेल मास, ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं। और बीच में जो है ग्लाइकोजन, मैंने बताया था ना इंडोमेट्रियम ये सीक्रेट कर रही है, इंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन, तो यहाँ पे बीच में ग्लाइकोजन भर जाता है, तो ये कैविटी बन जाती है। इस ग्लाइकोजन कैविटी को क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसील। तो ये तीन स्ट्रक्चर जब मोरूला से आगे बढ़ेगी, तो सेल सारे किनारे किनारे जुड़ जाएंगे, तो उसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। एक स्पेशल सेल जो है फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर बना लेगी, इसको इनर सेल मास कहते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? इनर सेल मास। ठीक है फ्रेंड, इनर सेल मास या इम्ब्रियो ब्लास्ट भी इसको बोला जाता है, इम्ब्रियो ब्लास्ट। ठीक है, इम्ब्रियो ब्लास्ट या इनर सेल मास। और जो बीच में कैविटी बनी है, इसमें ग्लाइकोजन भरा रहता है एनर्जी देने के लिए सेल को, इसको जो है आप ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसी में सट गया है, मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है फ्रेंड, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि राइटिंग से कुछ नहीं होता है, दिमाग में चीज़ें जानी चाहिए। तो ये जो किनारे स्ट्रक्चर था, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और ये बीच में जो कैविटी बन रही है वो है आपकी ब्लास्टोसील, और जो ये स्ट्रक्चर एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ अलग से निकला हुआ है, इसको इनर सेल मास या इम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को फ्रेंड क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट यही स्ट्रक्चर है, ब्लास्टोसिस्ट। इसी फॉर्म में जो है अब जो है इम्ब्रियो, देखिए यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बना दे रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट लगभग 4th से 5th डे तक बन जाता है। ठीक है, 5th डे 6th डे तक ये किनारे किनारे सेल लग गए फ्रेंड। ये अभी कैविटी में है, यूट्रस के गर्भाशय की कैविटी में है। जब ये इंडोमेट्रियम में इम्बेड हो जाएगा, मतलब धंस जाएगा, तब जाके अब इनका इम्प्लांटेशन तब करने लगेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो है जो आउटग्रोथ है इसको इम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास कहते हैं, या कैविटी है ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में अब इम्प्लांटेशन होगा,
ठीक है फ्रेंड, इम्प्लांटेशन होगा मतलब गर्भाशय में बच्चा पलने शुरू होगा, जो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है उमन में। ब्लास्टोसिस्ट को फ्रेंड कहीं कहीं जो है ब्लास्टूला भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टूला एक ही चीज़ है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज हुई, इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो के सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं फ्रेंड। अब ब्लास्टोमियर से बाद फिर से डिवीजन हुआ 8 से 16 सेल में, तो मोरूला हो गई। मोरूला में क्या है कि सेल किनारे किनारे लग गए, तो ट्रोफोब्लास्ट बना और एक स्पेशल टाइप का सेल बना, इनर सेल मास या इम्ब्रियो ब्लास्ट बना। उसके बाद जो है इसको ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला कहते हैं। अब इसी सेल की स्ट्रक्चर में अब जो है कुछ एंजाइम, ये ट्रोफोब्लास्ट और आपका जो इंडोमेट्रियम है, ये कुछ केमिकल और कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और उस एंजाइम और केमिकल के थ्रू जो है, जैसे ब्लास्टोसिस्ट से जो एंजाइम सिक्रीट होगी, वो जो जोना पेलिसिडा की लेयर है अब ये ब्रेक होगी, ठीक है, ये यहाँ से टूटेगी, ताकि ये इम्ब्रियो अब जो है अंदर इंडोकार्डियम के अंदर धंस जाएगी, तभी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, मतलब गर्भ में बच्चा पलना शुरू होगा। तो ये यहाँ से टूटेगी, क्योंकि कुछ केमिकल और यहाँ से रिलीज होती है ट्रोफोब्लास्ट से और कुछ इंडोमेट्रियम से। अब ये देखिए ट्रोफो कोरोना जोना पेलिसिडा लेयर तोड़ के अब आ गई इम्ब्रियो इसके अंदर, ठीक है, इंडोमेट्रियम की। तो इसी स्ट्रक्चर को इम्प्लांटेशन बोला जाता है फ्रेंड। तो इम्प्लांटेशन जब हो गई, ये 7th डे पे होती है फ्रेंड। और 7th डे के बाद अब क्या होता है कहानी फ्रेंड, अब होता है इसमें अब प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, गर्भाशय में बच्चा का डेवलपमेंट चालू हो गया है। तो इसके बाद की जो क्लास लाऊंगा मैं फ्रेंड, वो जेस्टेशन लाऊंगा। जेस्टेशन में पूरा बताया जाएगा एक एक दिन क्या क्या चेंजेज आएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें ट्रोफोब्लास्ट है, जो सेल अंदर गई है गर्भाशय में, उसमें सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट की स्ट्रक्चर है और इम्ब्रियोब्लास्ट है और न्यूक्लियस है। अब इससे कैसे बच्चा का डेवलपमेंट होगा, क्या क्या प्रोसेस चेंजेज होंगे, कैसे कोरियन, एलेंटोई और यॉक सैक, एमनियोनिक फ्लूइड, ये सब प्लेसेंटा कैसे डेवलप होंगे, क्या प्रोसेस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको जेस्टेशन जब इसके बाद क्लास लेंगे तो उसमें बताई जाएगी। लेकिन एक हल्की सी चीज़ और ज्ञान की बातें हम बताते हैं फ्रेंड। अब 8th डे में यही ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट जो सेल अभी किनारे किनारे लगी थी ना, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको HCG कहते हैं, ठीक है, HCG हार्मोन सुने होंगे फ्रेंड, ह्यूमन कोरियोगोनाइडोट्रोपिन। ये वही हार्मोन है जो फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके 8वें दिन से सिक्रीट होने लगता है फ्रेंड, यही ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है। तो उनके यूरिन में यही हार्मोन आता है HCG, ह्यूमन कोरियोगोनाइडोट्रोपिन हार्मोन, जो ग्रेविड टेस्ट या यूरिन से प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं। मार्केट में कई किट्स आती हैं कई नाम से, तो महिलाओं को डाउट होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, तो अपने यूरिन से यूरिन उसमें डालते हैं, तो उसमें अगर यूरिन में ये HCG हार्मोन है तो पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। तो ये HCG हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है, महिला के फर्टिलाइजेशन मतलब जिस दिन निषेचन हुआ है कोर्टशिप के बाद 8वें से 9वें दिन के बीच में ये HCG हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, जो यूरिन में भी कुछ पार्ट उसके निकलते हैं। अब HCG बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है फ्रेंड, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर बन गई, अब मैंने जो ओवुलेशन पढ़ाया था फ्रेंड, आप लोग को बताया भी था कि ओवुलेशन के बाद जो है LH भी घटने लगता है, आपका FSH भी घटने लगता है। इसके लिए आप एक बार ओवुलेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया है फ्रेंड, उसको जरूर क्लास देखिएगा। तो LH FSH दोनों घटने लगता है, तो LH से डायरेक्ट हेल्प करता है किसको, कॉर्पस लूटियम बनाने में, तो कॉर्पस लूटियम उस समय नहीं बन पाता है, क्योंकि अभी तो प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन करे, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है ट्रोफोब्लास्ट इस समय जो है हार्मोन सिक्रीट कर रहा है HCG, ये HCG हार्मोन क्या करता है, ये HCG हार्मोन आपका कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस लूटियम क्या करता है फ्रेंड, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है,
प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि प्लेसेंटा जब तक होगा, प्लेसेंटा बनने में टाइम लगता है कम से कम 2.5 से 3 महीने तक, लेकिन 2.5 से 3 महीने तक कॉर्पस लिटियम को मेंटेन करता है, क्योंकि 14 दिन तक जब तक अगली साइकिल ना आए, लेकिन अब तो पीरियड आएगी नहीं, साइकिल आएगी, तो कॉर्पस लुटियम की जगह पे ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, न कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो 14 दिन बाद जो है ये LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज होने लगता है, तो कॉर्पस लुटियम कम होने लगता है, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है SCG, इसलिए SCG को मिमिक कहा गया है कि कौन से हार्मोन से मिमिक करता है, ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही सिक्रीट होती है फीमेल में, इसलिए इसको प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये मिमिक करता है SCG हार्मोन किससे फ्रेंड, SCG हार्मोन मिमिक करता है LH से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कराता था, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, ताकि गर्भाशय में जो है एंडोमेट्रियम की लेयर बनी रहे और बच्चे को पलने के लिए प्रेगनेंसी मेंटेन में हेल्प करता है। तो उस समय क्या है कि LH डाउन है, तो कॉर्पस लुटियम कैसे मेंटेन होगा, SCG से होगा, ठीक है फ्रेंड। और यही SCG आगे चलकर प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है, जब प्लेसेंटा बन जाती है फ्रेंड, तब जाके कॉर्पस लुटियम क्या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वहां से सिक्रीट होने लगते हैं प्लेसेंटा से, तब धीरे-धीरे SCG का रोल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आज पढ़ाते हैं, अगले क्लास में हम फ्रेंड जेस्टेशन लाएंगे, तो इससे पूरे एक सिंगल सेल से आपके देखे ना 16 सेल स्ट्रक्चर में आपका ट्रोफोब्लास्ट बन गया, अब इस स्ट्रक्चर से कैसे बच्चा बनेगा और कैसे कैसे 9 महीने तक क्या क्या उसमें चेंजेज आएंगे, क्या फीमेल बॉडी में चेंजेज आएंगे, वो सब कुछ बताया जाएगा एक एक पॉइंट। मैं इसीलिए डायग्राम पहले बना लेता हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोग का टाइम कम से कम हम लूँ और पढ़ने में ज़्यादा आप टाइम लगाओ, क्योंकि एक बार ये क्लास ऐसे सुन लो, उसके बाद एक बार भी बुक पलटोगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी क्या प्रोसेस चल रही है फ्रेंड। लेकिन हमारी क्लास करने से पहले हमारे पिछले क्लास जरूर देख लिया करिए फ्रेंड, क्योंकि एक दूसरे से लिंक रहते हैं क्लास, अगर ये चीज समझे रहेंगे तभी आप आगे की प्रोसेस जो जेस्टेशन है, महिला की जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमारे चैनल को लाइक करो फ्रेंड, स्टडी बाय डॉक्टर JK, और आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए फ्रेंड, और थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।